हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम आज आप सभी को आंकड़ों के प्रबंधन में पाई चित्र कैसे बनाया जाता है इसको सिखाएंगे। तो आइए हम इस उदाहरण के माध्यम से आप सभी को सिखाने का प्रयास करते हैं। ये हमारा सवाल है, एक स्कूल की समय सारणी में प्रति सप्ताह विभिन्न विषयों के नियत घंटे दिए गए हैं, यानी स्कूल में सप्ताह भर में कौन सा विषय कितने घंटे पढ़ाया जाता है ये नीचे दिया गया है। इसमें दिया है हिंदी 7 घंटे पढ़ाई जाती है सप्ताह में, अंग्रेजी 8 घंटे, गणित 8 घंटे, विज्ञान 8 घंटे, सामाजिक विज्ञान 7 घंटे और कंप्यूटर 4 घंटे तथा संस्कृत 3 घंटे। इस तरीके से इतने इतने घंटे सभी विषय सप्ताह भर पढ़ाए जाते हैं। अब इनके लिए हम पाई चित्र कैसे बनाएंगे इसको हम आप सभी को आज सिखाएंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कुल घंटों की संख्या दी गई सप्ताह भर में, कुल घंटे यहाँ जोड़ लेंगे इनको 8 7 15 15 8 23 23 8 31 31 7 36 44 33 43 सॉरी फिर से जोड़ लेते हैं इसको 4 3 7 7 7 14 14 8 22 होता है 22 8 30 30 8 38 38 7 45। तो कुल घंटे यहाँ पर हम लिख लेंगे सप्ताह भर में कुल घंटों की संख्या। कुल घंटे यहां हो जाएंगे हमारे 45 घंटे। तो सप्ताह भर में कुल 45 घंटे पढ़ाए जाते हैं। अब इस 45 घंटे में हिंदी 7 घंटे पढ़ाई जाती है और अंग्रेजी 8 घंटे, गणित 8 घंटे, विज्ञान यानी अंग्रेजी गणित विज्ञान में घंटों की संख्या समान है और सामाजिक विज्ञान और हिंदी में भी 7 7 घंटे पढ़ाए जाते हैं, कंप्यूटर और संस्कृत में 4 और 3 घंटे पढ़ाए जाते हैं। अब इसी का हमें पाई चित्र बनाना है। पाई चित्र एक गोले के अंदर बनाया जाता है। अब आइए हम इसको बनाते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे सबसे पहले ये केंद्रीय कोण निकालेंगे। यहां पर इस जो वृत्त हमारा है इसके केंद्र पर इन विषयों के कितने कितने कोण बनते हैं इसको बताएंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे विषय, इधर हम एक कॉलम बनाएंगे, विषय लिखेंगे यहां पर विषय, फिर इसके बाद घंटे लिखेंगे। अब यहां पर केंद्रीय कोण बनाएंगे, केंद्र पर जो कोण बनेगा उसको बनाएंगे केंद्रीय कोण। तो इस तरीके से हम कॉलम बनाएंगे। अब ऐसे हम इसको खींच लेंगे। यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 विषय हैं, तो हम 7 विषय 7 घंटे और 7 कोण यहां पर बनाएंगे। तो इस तरीके से यहां पर देख रहे हैं हिंदी हमारी है, विषय के नीचे लिखेंगे हिंदी, हिंदी में 7 घंटे पढ़ाए जाते हैं यानी 45 घंटे में 7 घंटे हिंदी पढ़ाई जाती है। अब केंद्रीय कोण यहां पर कितना कोण बनेगा इसको हम बताएंगे। तो इसका मान निकालने के लिए हम करेंगे क्या, 7/45 और गुणे 360, यहां 360 करेंगे क्योंकि एक बिंदु पर 360 अंश का कोण बनता है, इसलिए हमने यहां 360 से गुणा किया। अब इसको काटेंगे तो 45 8 इतना आया 360, अब 8 में 7 से गुणा करेंगे तो 8 7 56 अंश। यहां पर गणित हिंदी का केंद्रीय कोण 56 अंश आया। अब इसके बाद हम हिंदी के बाद हम चलते हैं अंग्रेजी पर, अंग्रेजी यहां लिखेंगे अंग्रेजी, अब ये 8 घंटे पढ़ाई जाती है तो यहां इसका केंद्रीय कोण 8/45 गुणे 360। अब यहां पर इसको काटेंगे तो ये 8 आएगा, अब 8 8 64 अंश यहां हो जाएगा 64 डिग्री। उसी तरीके से अंग्रेजी के बाद गणित का भी है, गणित गणित में भी 8 घंटे पढ़ाए जाते हैं, इसी तरीके से निकालेंगे ये भी 64 अंश आएगा हमारा 8/45 गुणे 64। गणित के बाद यहां हमारा विज्ञान आ रहा है, विज्ञान यहां विज्ञान लिखेंगे और ये भी 8 ही घंटे पढ़ाया जाता है तो इसका मान भी 64 डिग्री आएगा 64 अंश। और विज्ञान के बाद यहां पर हमारा कंप्यूटर है, अब कंप्यूटर का निकालेंगे, कंप्यूटर का देख रहे हैं 4 घंटे, सॉरी ये सामाजिक विज्ञान है, कंप्यूटर का भी देख रहे हैं यहां पर लिख लेते हैं 4 घंटे कंप्यूटर पढ़ाया जाता है
तो यहाँ पर 4/45 करेंगे गुणे 360 कर देंगे, यहाँ पर 360। अब इसको काटेंगे तो ये 8 आएगा, ये 32 अंश आ गया। अब बीच में हमारा ये सामाजिक विज्ञान छूट गया था, तो इसको यहां लिख लेते हैं सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान यहां इसको उतार लेंगे, ये 7 घंटे है, तो यहां पर हम 7 घंटे लिख सकते हैं, 7/45 गुणे 360 कर देंगे, तो ये भी आएगा 45 × 8 = 360, ये 8 × 56 डिग्री इसका भी आ जाएगा। और इसके बाद हमारा संस्कृत बचता है, तो यहां हम संस्कृत लिख देंगे अंत में, संस्कृत, संस्कृत ये 3 घंटे पढ़ाया जाता है, तो 3/45 लिखेंगे यहां पर और गुणे 360 अंश यहां लिख देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा, ये 8 आएगा, 8 × 3 = 24 अंश। अब इसका केंद्रीय कोण निकल आया 24 अंश यहां पर। तो इस तरीके से हम एक कॉलम बना लेते हैं हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, कंप्यूटर, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत का, और इनका केंद्रीय कोण निकाल लेंगे इस तरीके से। केंद्रीय कोण कैसे निकालते हैं, विषय का घंटा बटे कुल घंटे गुणे 360 अंश का कोण यहाँ जो बनता है एक बिंदु पर उस। अब हम जो पाई चित्र बनाएंगे इन्हीं कोणों को इस पर दर्शाएंगे और विषय वाइज हम इसमें दिखा देंगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं हिंदी हमारी है, हिंदी का केंद्रीय कोण 56 अंश है। अब ये जो रेखा हम खींचे हैं इसको वो बिंदु मान लेते हैं, ये सेंटर हमारा हो जाएगा, इसी को इसी के सापेक्ष हम 56 अंश का कोण बनाएंगे। यहाँ चांदा की सहायता से हम बना देंगे कोण, वैसे हमारे पास चांदा नहीं, हम अंदाज करके बना दें, तो 56 अंश का कोण लगभग इस तरीके से जाएगा, तो 56 अंश ही हमारा हो जाएगा एंगल 56 अंश। तो यही यही पोर्शन जो होगा हमारा हिंदी वाला होगा, हिंदी, ये हिंदी का इतना पोर्शन है। अब इसी के सापेक्ष, इस रेखा के सापेक्ष हम 64 अंश का कोण बनाएंगे। 64 अंश का कोण यानी लगभग हमारा ये 56 है, 64 110 अंश का कोण बनेगा, 64 × 60 64 × 6 = 75 120 अंश का कोण लगभग हमारा इस ढंग से यहां पर बनेगा, ये इसके सापेक्ष ये 64 अंश का कोण है। तो ये हमारा अंग्रेजी का है, ये हिंदी हो गया, यहां पर ये अंग्रेजी हो जाएगा अंग्रेजी। अब इसके बाद हमारा आता है गणित का, ये भी 64 अंश का, तो इसके सापेक्ष हम 64 अंश का कोण जब बनाएंगे तो लगभग हमारा 180 से ऊपर आएगा, सबको जोड़ते हुए इसी के सापेक्ष बनाते चलेंगे, या इसके सापेक्ष बनाएं 64 अंश तो यहाँ 64 अंश खींचेंगे, या इसको मान करके तो सबको जोड़ करके बनाते चलेंगे, तो 64 अंश, 64 अंश 128 और यहाँ पर 50 अंश है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा, यानी ये दोनों बराबर हैं, तो 180 से थोड़ा अधिक हमारा होगा, 180 अंश से थोड़ा सा अधिक होगा, ये भी 64 अंश है। जब आप चांदी से बनाएंगे तो ये बहुत ही आसानी से बन जाएगा। अब ये अंग्रेजी के बाद हमारा गणित है, यहाँ गणित लिख देंगे, गणित विषय, और इसके बाद हमारा विज्ञान भी 8 घंटे है, तो यहाँ से हम 64 अंश का कोण और बनाएंगे, तो इस तरीके से ये भी आ जाएगा हमारा, ये तीनों बराबर बराबर हैं, 64 अंश ये भी है। अब इसके बाद हमारा कंप्यूटर का आ जा रहा है 32 अंश, तो यहाँ पर हम 32 अंश बना देंगे इसके सापेक्ष, ये 30 × 2 = 32 अंश यहाँ पर हमारा हो जाएगा, ये 32 अंश हो गया, ये हमारा कंप्यूटर है, इसको हम कंप्यूटर से प्रदर्शित कर देंगे, कंप्यूटर, ये हमारा 32 अंश कंप्यूटर का हो गया, ये 2 है। अब इसके बाद सामाजिक विषय का है, सामाजिक विषय में 56 अंश है, तो यहाँ पर हम 56 अंश खींच देंगे, जितना ये है उतना पोर्शन ये भी होगा हमारा लगभग, ये यहाँ पर ये 56 अंश हो जाएगा, ये 56 डिग्री हो गया, यहाँ से इसके सापेक्ष हम चांदे से खींच देंगे। अब इसके बाद हमारा जो 24 अंश ये बच जा रहा है, ये 24 अंश है,
तो ये संस्कृत का होगा, संस्कृत। और इधर ये है, ये सामाजिक विज्ञान का है, सामाजिक विज्ञान। तो इस तरीके से ये जो हमारा चित्र है, इसी को हम पाई चित्र के नाम से जानते हैं, पाई चित्र। ये इसको हम इस तरीके से ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। पहले एक गोला बनाएंगे, गोला यानी वृत्त बनाएंगे। अब वृत्त को हम जो कोण दिया गया है, इसी अनुपात में हम इसको विभाजित कर देंगे, तो हमारा पाई चित्र बन जाता है। तो अब इसको हम अलग अलग रंगों से रंग देंगे, तो ये हमारा एक बेहतरीन जो पाई चार्ट होता है वो बन करके तैयार हो जाता है। अब आइए अगले सवाल में, हम इस पाई चार्ट के माध्यम से कैसे सवालों को सॉल्व किया जाता है उसको सॉल्व करेंगे। अब ये रहा हमारा अगला सवाल। नीचे एक पाई चार्ट दिया गया है। अब उसमें एक विद्यार्थी द्वारा किसी परीक्षा में प्राप्त विषय के अंकों का दर्शाया गया है। यहाँ पर सभी विषय के में जितने अंक उसने पाया है वो दर्शाया गया है। यदि उसके द्वारा कुल प्राप्त अंक 540 थे, तो निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ ये पाई चार्ट है, यहाँ पर केंद्रीय कोण जो है गणित में 90 अंश है, सामान्य विज्ञान में 65 अंश है, विज्ञान में 80 अंश है, और हिंदी में 70 अंश है, अंग्रेजी में 55 अंश है। कुल प्राप्तांक उसका 540 है। तो अब इस पाई चार्ट की मदद से इन प्रश्नों के उत्तर देना है। तो देखिए, जैसे हम पहले प्रश्न में आंकड़े दिए गए थे, उसकी सहायता से हमने पाई चित्र बनाया था। अब हम ये पाई चित्र की सहायता से इन आंकड़ों का मान ज्ञात करेंगे। तो यहां दिया है पहला सवाल हमारा, किस विषय में विद्यार्थी के 105 अंक हैं। यहां पर हम निकालेंगे 105 अंक किस विषय में है, यानी केंद्रीय कोण निकालेंगे। 105 अंक का केंद्रीय कोण कितना होगा उसको हम निकालेंगे। तो यहां पर देखिए, हमारा प्राप्तांक है 540 और यहाँ अंक 105 है। तो हम यहां पर 105 में 105 बटे 540 और गुणे 360। अब हम इसका केंद्रीय कोण निकाल लेंगे, तो उसके आधार पर ये मालूम हो जाएगा कि किसका केंद्रीय कोण है, वह अंक हो जाएगा। अब यहां इसको काट देंगे, तो जब काटेंगे तो 9 6 54, 9 4 36 हो जाएगा। अब यहां पर हम इसको 3 से काट देंगे, 3 2 6, 3 3 9, 3 5 15 हो गया। अब 2 2 4 हो गया। अब यहां पर केंद्रीय कोण का मान आ गया 70 अंश। अब 70 अंश देख रहे हैं हम, हिंदी विषय का है, तो इससे हम पता लगा लेंगे कि हिंदी विषय में विद्यार्थी के 105 अंक हैं। तो 70 अंश यहां देख रहे हैं हम, हिंदी का है, अतः हिंदी विषय में पहले प्रश्न का उत्तर हो गया कि हिंदी विषय में विद्यार्थी के 105 अंक हैं। अब दूसरा सवाल, गणित के अंक हिंदी के अंक से कितने अधिक हैं, इसको निकालेंगे हम। गणित का अंक निकालेंगे और इसके बाद हिंदी का अंक निकालेंगे। तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया। अब सेकेंड पार्ट है हमारा गणित का अंक, यहां निकालेंगे हम गणित का अंक। तो यहां पर केंद्रीय कोण देख रहे हैं गणित के लिए 90 अंश है, तो गणित का प्राप्तांक हम निकालेंगे 90 गुणे 90 बटे 360 गुणे कुल अंक यहां पर 540 है। तो यहां पर ये कट जाएगा हमारा, 9 4 36, 9 6 54 हो जाएगा यहां पर। अब इसको काट देंगे, 4 1 के 4, 4 2 8, 4 से नहीं कटेगा, 2 2 4, 2 3 6। अब 2 से काट देंगे, तो ये 2 4 8 हो जाएगा और 2 5 45, 45 में 3 से गुणा करेंगे, 3 5 15, 3 4 12 1 13, यानी गणित में उसका अंक 135 है। अब उसी तरीके से हिंदी में निकालेंगे, हिंदी में अंक, हिंदी का अंक निकालेंगे। अब हिंदी में देख रहे हैं यहां पर हम, 70 है, तो 70 बटे 360
गुड़े 540 यहाँ लिख देंगे, 540 ये कट जाएगा हमारा, 9 चौक 36, 9 छक 54 हो जाएगा, 2 दूनी 4, इसको काट सकते हैं, 4 के 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, और ये 35 हो जाएगा। 35 में जब 3 से गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3 5 15, 3 3 9 1 10, 105 अंक। तो हिंदी में इसका 105 अंक आया और गणित में 135 अंक। तो कह रहा है गणित के अंक हिंदी के अंक से कितने अधिक हैं, तो अधिक अधिक का मान निकालेंगे हम, 135 में से 105 जब घटा लेंगे, 135 माइनस 105 अंक है ये, तो ये हमारा आ जाएगा 30 अंश, 30 अंक उसने ज्यादा पाया, यानी गणित में उसने हिंदी से 30 अंक ज्यादा पाया। तो इस तरीके से पाई चित्र में अगर अंक ये कोण का मान दिया गया है तो हम अंक निकाल सकते हैं, जो भी डाटा निकालना हो उसको हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि इस तरीके के सवाल आप सॉल्व कर लेंगे। अगर पाई चित्र दिया गया हो उस पर आधारित प्रश्न निकालेंगे, अगर डाटा दिया गया है उसको पाई चित्र कैसे बनाएंगे। अब हम दो सवालों के माध्यम से आप सभी को समझाने का प्रयास किया, आशा करता हूं कि ये दोनों सवाल आपकी समझ में आ गए होंगे। अब इस तरीके के सवाल आप सभी सॉल्व कर लेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इसी तरह के सवालों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।